दो ब्याह दो ओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्यारे व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो मेरा गांव पर है, तो आज मैं जो चीज़ आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो है जी मेरे गांव का स्टेशन। तो आपको जैसा कि पीछे एक पटरी नज़र आ रही होगी, तो मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको आज ही अपने गांव का स्टेशन दिखाऊं। तो वो ज़रा स्टेशन जो है वो आगे है, तो चलते हैं जी, वो आपके साथ शेयर करते हैं। देखिए जी, आपको पटरी नज़र आ रही होगी, साथ साथ चलती जाऊंगी और जो स्टेशन तक पहुंचने तक जो चीज़ें रास्ते में आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करती जाऊंगी जी। आए चलते हैं। आपको ये पटरी के पीछे आपको जीटी रोड नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आपको तकरीबन इक्का दुक्का गाड़ियाँ नहीं बल्कि ज़्यादा ही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं इस वक्त। तो किसी दिन जी आपके साथ ये जीटी रोड भी शेयर करेंगे। आपको ये पता नहीं बेचारा यहाँ से गुजरा है तो इसके साथ ये कैसे हादसा पेश आ रहा है। आपको मेरे पीछे ये ट्रेन के सिग्नल नज़र आ रहे होंगे, तो इसके पीछे आपको एक डेरा भी नज़र आ रहा होगा, तो वहाँ पे चल के जी बाकी चीज़ें शेयर करते हैं। आपको मेरे पीछे वो डेरा नज़र आ रहा होगा जो मैंने आपको सिग्नल के पास दिखाया था, तो आगे चलते हैं तो वो आपको एक स्कूल भी नज़र आ रहा होगा, तो वो भी आपके साथ के लिए जाके शेयर करते हैं। स्कूल भी बहुत प्राइमरी स्कूल है। अच्छा, आपको वो स्कूल नज़र आ रहा होगा, प्राइमरी स्कूल, तो उसके पास आ गए हैं। तो अब इसके आगे जाके जी आपके साथ एक और चीज़ शेयर करने वाले हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए एक औरत आ रही है, तो वो कहती है जी मेरी भी वीडियो बनाए, तो उसके भी हम वीडियो बनाते हैं। हमारी इधर डेरे पे काम करती है ये औरत, ये देखें जी कितनी प्यारी स्माइल है उनकी, देखें जी। जान रही नहीं। देख रहे थे कि औरत अपनी कहानी बता रही थी कि मेरी शादी हुई है तो मेरे दो बच्चे हैं, तो अब मेरे मुझसे पूछ रहे थे कि आपके बच्चे कितने हैं। आपको मेरे पीछे फाटक नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ से भी ट्रेन गुजरने वाली है, वो उसका भी जी आपको सीन दिखाते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो देखिए मेरे पीछे फाटक, ये बस ये पीछे आपको जो गाड़ी नज़र आ रही है तो इसका क्रॉस हो रहा है, इसकी बैक साइड से भी एक गाड़ी आ रही है, जिराबाद से भी आ रही है, लाहौर से भी आई है, उसका दंगल स्टेशन। ये दोनों गाड़ियाँ उधर आप बैक साइड पे भी देखें जी, उस साइड से भी ट्रेन आ रही है। इन दोनों का क्रॉस है, तो ये भाई से पूछते हैं क्रॉस किस तरह होता है, भाई तो सिर्फ होता है क्रॉस किस तरह होता है गाड़ी का। वो एक नंबर पर गाड़ी खड़ी है, वो रुक जाएगी, इसका दो नंबर रोड बनाएंगे, जब गुजर जाएगी, जब गुजर जाएगी वो उसको बाद में चला। अच्छा, पार्टिंग बंद है दोनों तरफ से, क्रॉसिंग अच्छा जा रही है। अच्छा, हो गई है ना। अच्छा, ये गाड़ी लैंड क्लियर रही है, इसमें से जो ऊपर वाला डाउन है ना वो नीचे गिर जाएगा। अच्छा, वो सिग्नल रिवर्स पीछे आप देखें,
भाई बता रहे हैं कि वो डाउन होगा तो वो गाड़ी जो सामने वाली है वो रुक जाएगी, वो जो इसके सामने आ रही है वो इधर रास्ता वो रुक गई, वो इस रास्ते से आएगी। सिग्नल हो गए तो फिर जे चल पड़ेगी। अच्छा। ये भी बाहर रुक गई भाई, ये जो इधर से गाड़ी आ रही है ये इधर रावलपिंडी जा रही है, तो उस तरफ से जो आ रही है वो कराची लाहौर कराची लाहौर कराची की तरफ जा रही है। जो सामने से ट्रेन आ रही है तो इसके जो सामने ट्रेन है वो रुकी हुई है, वो देखें जी सामने आपको नज़र आ रहा होगा वो ट्रेन रुकी हुई है, इसने इसको क्रॉस करना है। सामने रुकी हुई है जो आपको सामने गाड़ी रुकी हुई नज़र आ रही है, ये अभी दूसरी साइड पे होके जा रही है तो वो रुक गई थी, अब वो आ रही है इस तरफ। बस यहाँ से वो गाड़ी जो है उसकी इस गाड़ी के साथ क्रॉसिंग हुई है तो यहाँ से ये कांटा चेंज करते हैं तो वो चली गई है गाड़ी, ये रुकी हुई है तो अब ये जी स्टार्ट होना शुरू हो गई है। तो ये देखें सामने से इसके विजल की आवाज़ आई थी आपको पहले, स्कूल है तो इसे आपको पता चल रहा होगा कि हमारे गांव में तालीम कितनी ज़्यादा आम है, तो बच्चे जो हैं यहां से मैट्रिक करके तो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए हमारे पास ही सिटी है वहां कॉलेजों में जी वो एडमिशन ले लेते हैं। ये देख रहे हैं जैसा कि आप स्टेशन आ चुका है तो चलते हैं फिर आपको करीब से स्टेशन दिखाते हैं।